आज हर बार पुस्तकालय में यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हम सबके सामने आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में जिन भी प्रमुखों का महत्व योगदान है, कमेटी का योगदान है और सभी बच्चा सिंह माननीय प्रमुख अतिथियों का योगदान है, सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, हमारे प्यारे बच्चे आज के इस कार्यक्रम में शुभकामनाएं होने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी को प्रखंड प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन व्यक्त करते हैं। सभी बच्चे पीछे शांत हो जाए, आपस में बात किसी ने कहा, और अंग्रेज हमें गुलाम बनाते थे, मजदूर बना के रखते थे, हमारे खेतों का अनाज ले जाते थे, जंगल लकड़ी फल पौधा सब्जी सूती कपड़ा या जो भी होता था, धान चावल गेहूँ सब यहाँ से लंदन ले जाते थे। और यही महापुरुष थे जिन्होंने इस देश को आजादी से, गुलामी से आजादी की ओर ले गया और हम लोगों को एक सत्य का रास्ता दिखाया, अहिंसा का रास्ता दिखाया, प्रेम का रास्ता दिखाया, तब आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, अपने कर्तव्यों को कर्मों को अच्छे से नहीं करेंगे, तो आप तो बापू हैं नहीं, तो क्या पता फिर से हमारा देश कहीं कुछ गुलाम नहीं हो जाए। इसीलिए हमें संकल्प लेना है और खूब मन लगा के काम करना है, पढ़ाई करनी है। सभी जो बच्चे हैं कितना बढ़िया से आप मेरे सपनों का जयनगढ़ शहर कैसा हो, कितनी अच्छी आपने बातें कही हैं, तो मेरे सपनों का शहर जयनगढ़ में आपका क्या योगदान हो, इस पर भी विचार रखना है और आपको काम करना है। और अब समय है सबको दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत करके काम करने का। जो लोग जो भी कर सकते हैं, दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके अपने समाज राष्ट्र को मजबूत बनाए, नहीं तो आने वाले समय में चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। अभी 78 वर्ष पहले हम लोग स्वतंत्र हुए, आज गांधी जी की हम जयंती मना रहे हैं, और इन 78 वर्षों में देश अनेकों चुनौतियों का सामना किया है। आज भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, अशिक्षा है, गरीबी है, असमानता है, कुपोषण है, आपस में बात बात में लोग झगड़ जाते हैं, फिर से द्वेष आपस में बहुत ज्यादा है, वह मनुष्यता है। इस इतनी पुण्य भूमि पर आज भी हम लोग अपनी ऐतिहासिक जो गरिमा है, संस्कृति है, यह मंडल मिश्र अयाची मिश्र की भूमि है, गार्गी मैत्रेयी की धरती है, मैथिल कोकिल की भूमि है, विद्यापति जी की धरती है, और पुनः हम सबको अपनी गरिमा को वापस लाने के लिए जो भी हमारा काम है बहुत कर्मठता से और बहुत ईमानदारी से करना होगा। और इन सब का प्रमाण आर्य कुमार पुस्तकालय का जो कायाकल्प हुआ है पिछले 6 महीने में, यह सबके सामने बहुत अनुपम अद्वितीय उदाहरण है। इस दुनिया में, इस जहां में असंभव कुछ नहीं है। 200 साल पहले जब अंग्रेज आए थे और आज के 100 साल पहले गांधी जब चलते थे लाठी छड़ी लेके, लोग मजाक उड़ाते थे, चले हैं बूढ़ा देश को आजाद कराने, इनसे देश आजाद हो रहा है, और यही बापू साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और ऐसा आया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, और यहाँ जयनगढ़ की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन है, और 1947 में अंग्रेजों की यहाँ से विदाई हो गई। विदाई तो हुई, अंग्रेज जाते जाते भारत पाकिस्तान दो टुकड़ों में बांट दिए, और अभी भी हम लोग कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, धर्म जाति पंथ मजहब संप्रदाय क्षेत्र इत्यादि के नाम पर। ये सब विभाजन बंद करना होगा, राष्ट्र को मजबूत करना होगा। हम सब लोग का जो डीएनए है किसान मजदूर का है, तो सबको खूब मेहनत करना होगा। देश के बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि शिक्षा से ही सब कुछ संभव है, यदि पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में फिर से हो सकता है कि फिर से हम लोग गुलाम बन जाए। अब बचाने वाले ना कोई लाल बहादुर शास्त्री जी आएंगे, ना बापू आएंगे, तो समझिए फिर हमारा और आपका क्या होगा। अनेकों समस्या हाल में कोविड में भी हम देखा कि कैसे हमने अपनों को खोया है, हमारे अपने हमारे से पिछड़ते चले गए। प्रदूषण की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, बात बात में तो झगड़ जाते हैं, बड़े स्तर पर हम लोग पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत तरह से मूल्यों का ह्रास हुआ है। इन सब में सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुननी समझनी है। बहुत प्यारी बहुत छोटी जिंदगी है, बहुत कम समय के लिए हम लोगों का यहाँ आना हुआ है, पता नहीं किस मोड़ पर कब किसका साथ छूट जाए, हमारी जिंदगी यहाँ से चली जाएगी। इस छोटी जीवन को स्वर्णिम बनाइए, अमूल्य बनाइए, और बुद्ध गांधी की जो धरती है
इसको ऐसा कुछ हम लोग कर जाए कि जिंदगी जो है सो उम्र लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी अपने कर्म से बड़ी होनी चाहिए। जैसा कि आज आर कुमार पुस्तकालय में इतने लोग इतना अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं और 6 महीने के पूरे पुस्तकालय का जो कायाकल्प हो गया है, यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि जहाँ चाह हमारा है असंभव कुछ नहीं है, जो हम लोग चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। आइए, समय की मांग है कि अगले 20 साल तक हम लोग अपने पूरी भूमि को बारम्बार नमन वंदन और प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।